हूँ आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। तो आइए नजर डालते हैं जिले से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वर्गीय शारदानंद अंचल की 10वीं पुण्यतिथि पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी के आवास पर लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए मनाई गई। इस दौरान क्षेत्र के गिने चुने समाजसेवी व सपा नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के शुरुआत में पूर्व मंत्री सहित अन्य मौजूद लोगों ने स्वर्गीय अंचल के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात उनके जीवन वृत्तांत की चर्चा की। पूर्व मंत्री ने कहा कि अंचल कार्यकर्ताओं के नेता थे। गांव किसान गरीब लोगों से उनका बहुत लगाव था, जिसके कारण उन्हें चुनावी संघर्ष में बराबर सफलता मिलती रही। समाजवादी समाज की संरचना के लिए जाति धर्म का ख्याल न करते हुए अंचल ने सभी लोगों के लिए समय समय पर मदद की। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए विनोद यादव की रिपोर्ट। आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भूतपूर्व मंत्री गरीबों मजलूमों पिछड़ों की एक उम्मीद और जन नायक पूर्वांचल के गौरव आदरणीय शारदानंद अंचल जी की पूर्ण तिथि है। आज समाजवादी परिवार अपना एक अद्भुत गार्जियन खो दिया। वो भरपाई अंचल जी की आज तक नहीं हो पाई। अंचल जी वास्तव में एक महान नेता थे और वास्तव में समाजवादी थे, पक्के समाजवादी जिसको कहते हैं। उनका आचरण रहन सहन खान पियन सब समाजवादी थे और उनका पूरा जीवन गरीब किसान पिछड़ों के लिए समर्पित था और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने में उसकी स्थापना से 1992 से लेकर के समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में हुई थी, उससे लेकर के और मृत्यु के पहले तक वो समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन भी कार्यक्रम ही लगा हुआ था बलतारू में और 2 मई को कार्यकर्ता सम्मेलन था, मैं जिला अध्यक्ष था और उसी दिन वो लखनऊ से ट्रेन से उतरे, घर पे गए और घर से नाश्ता वास्ता करने के बाद थोड़ा आराम करके सोचे कि चलेंगे कार्यक्रम में, तब तक उनको हार्ट अटैक हुआ, मौत की जाने में रास्ते में ही उनकी दर्दनाक मृत्यु। ये कमी हम लोग अभी तक समाजवादी कार्यकर्ता पूरा नहीं कर पाए। अंचल जी, अंचल जी का व्यक्तित्व जो था वो काफ़ी ऊंचा था, वर्कर से लेकर के गरीब जनता तक में उनकी पकड़ थी, उनको मानते थे और उनके कर्म से अंचल जी जाने जाते थे और प्रदेश। आज मैं अंचल जी के पुण्यतिथि पर भाव भीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर। देश इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के संकट से जूझ रहा है, ऐसे में हर सक्षम व्यक्ति जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है। इसी क्रम में बलिया जिले के छात्र संघ सेवा संस्थान रानीगंज द्वारा क्षेत्र के अलग अलग गांव में जरूरतमंद लोगों को चिन्हित कर उनके घरों में खाद्य सामग्री के पैकेट पहुँचा रहे। छात्र संघ सेवा संस्था का कहना है कि जब तक कोरोना महामारी चलेगी तब तक हमारा प्रयास जारी रहेगा, जिसमें मुख्य रूप से संतोष सिंह नेता हिमांशु सिंह एवं सेवा संस्था के सभी सदस्यों की वितरण कार्य में अहम भूमिका रही। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए मुकेश सिंह की रिपोर्ट। तो सिंह छात्र संघ सेवा संस्थान प्रबंधक, ये छात्र संघ सेवा संस्थान से आप लोग ये जो कोरोना की महामारी में पैकेट वितरण कर रहे हैं सामान, कितने दिन से चल रहा है प्रक्रिया आप लोगों का? सर्वविदित है कि लॉकडाउन पार्ट 1 जब शुरू हुआ 23 मार्च से आदरणीय मोदी जी द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई, तो उस समय 2-3 दिन बाद छात्र संघ सेवा संस्थान के जितने सदस्य हैं हम लोग सोचने पर मजबूर हुए कि रोड के किनारे रहने वाले पागल विषित जितने लोग हैं उन लोगों के लिए प्रतिदिन पूरी सब्जी का पैकेट बनाकर
लगातार वितरण किया जा रहा था और अचानक ही आदेश आया आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का और उप जिलाधिकारी महोदय का कि कोई भी समाजसेवी संस्था या कोई सामाजिक कार्यकर्ता समाजसेवी पका पकाया भोजन नहीं बांट सकता है। इस पर रोक लगा। उसके बाद हम लोग संस्था के सदस्य जितने हैं जो हमारे संस्था के शानदार साथी हैं युद्ध स्तर पर कार्य करके और गाँव में घूम घूम कर और पता लगाना चालू किए कि कच्चा सामग्री बांटने वाले जो मुख्य हकदार हैं इसके गरीब है ज़रूरतमंद लोग है वैसे लोग जिसको राशन कार्ड भी नहीं उपलब्ध है और जिसके पास कुछ नहीं उन्हें घर है। आज लगातार तीसरी घोषणा हो चुकी है कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की जो कि आज सभी लोग विकट परिस्थिति की से गुजर रहे हैं संकट की घड़ी में पूरा देश है। तो छात्र संघ सेवा संस्थान समय समय पर विचार किया कि वैसे क्षेत्र के आसपास के गांवों के लोगों को जो कि ज़रूरतमंद लोग हैं जो विकट परिस्थिति से जो कि क्षेत्र में भूखा ना सो सके वैसे लोगों के लिए हम लोग विचार किए कि एक एक दो दिन बीच गैप लगा के और आटा चावल चिवड़ा आलू प्याज का पैकेट बनाकर हम लोग वितरण करेंगे और विक्षिप्त लोगों के लिए अलग से चिवड़ा और गुड़ का वितरण बिस्किट नमकीन का पैकेट वितरण किया जाता है। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24 जो सारा लाइव टीम के साथ।